क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। रोहित शर्मा ने वनडे मैचों में 3 साल बाद शतक लगाया। इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारत की जीत के साथ साथ रोहित शर्मा के लिए मैच इसलिए भी खास बन गया क्योंकि वनडे मैचों में रोहित के शतक का सूखा खत्म हुआ। मगर इससे भी खास था विराट कोहली का वो बधाई देना, रोहित के शतक पर रोहित से भी ज्यादा खुश होना। जी हाँ, रोहित को बधाई देने विराट कोहली मैदान में पहुंचे और रोहित शर्मा खुशी के मारे कुछ कह ही नहीं पाए, बस आंसू ही रोहित के छलक पड़े। तो आपको दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और रोहित और विराट की इस बॉन्डिंग पर कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में टीम इंडिया वनडे मैचों में हर रोज नए धमाके कर रही है। पहले श्रीलंका को 3-0 से रौंदा तो अब न्यूजीलैंड को भी 3-0 से ही कुचल दिया है। इंदौर में खेला गया आखिरी मुकाबला बेहद खास था। इस मैच में एक बार फिर भारतीय ओपनर्स ने धमाल मचा दिया और जो रोहित शर्मा अब तक दूसरों के लिए बलिदान दे रहे थे, जो दूसरे खिलाड़ियों की पारी को संवार रहे थे, वही रोहित शर्मा यहाँ पर शतकवीर बन गए। जी हाँ, रोहित ने ताबड़तोड़ पारी खेली और शतक भी बना लिया। अब रोहित का ये शतक 3 साल बाद आया। जी हाँ, वनडे मैचों में रोहित ने 3 साल बाद शतक लगाया, जिस पर रोहित शर्मा तो खासे खुश थे ही, साथ ही साथ पूरा स्टेडियम झूम पड़ा। पवेलियन में खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ झूमने लगे और पूर्व कप्तान विराट कोहली भी रोहित के शतक पर खासे खुश नजर आए। अब जब रोहित का शतक पूरा हुआ तो हेलमेट लगाए विराट कोहली खड़े थे और रोहित के लिए लगातार तालियां बजा रहे थे। लेकिन इससे भी खास मौका तब आया जब विराट कोहली रोहित को मैदान में ही बधाई देने लगे। जी हाँ, मैदान में पहुंच गए विराट कोहली। अब रोहित शर्मा शतक लगाने के ठीक बाद आउट हो गए थे और नए खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली मैदान में पहुंचे। अब वहां पर क्या हुआ वो देखिए और समझिए। अमूमन तो नया खिलाड़ी जो भी मैदान में आता है तो उसकी आउट होने वाले खिलाड़ी से ज्यादा बात नहीं होती, या अगर अच्छी पारी होती है तो सिर्फ पीठ थपथपा दी जाती है। मगर यहाँ पर विराट कोहली का जेस्चर कमाल का था। जी हाँ, मैदान में पहुंचे विराट कोहली, रोहित शर्मा के सामने खड़े हो गए, रोहित का हाथ पकड़ लिया, रोहित का हाथ पकड़कर रोहित को गले लगकर बधाई दी। जी हाँ, रोहित के लिए मैच कितना बड़ा था, कितनी बड़ी ये पारी थी, विराट को इसका साफ साफ अंदाजा था और इसीलिए विराट कोहली ने पिच पर पहुंचने से पहले रोहित से मिलना बेहतर समझा और बीच मैदान में रुककर खड़े होकर रोहित को बधाई दी, गले मिले, हाथ मिलाए। और यही नहीं, विराट ने रोहित से काफी कुछ कहा भी। हालांकि अब यहां पर इस साफ पता नहीं चल पाया कि विराट ने कहा क्या, लेकिन हाँ, विराट की बातों से रोहित शर्मा खासे खुश और गदगद नजर आए और रोहित शर्मा बेहद खुशी के अंदाज में कैमरे में कैद हो गए। अब यहां पर साफ नजर आ रहा था कि विराट कोहली रोहित शर्मा के शतक पर कितने खुश हैं, या कहें कि रोहित से भी ज्यादा खुश विराट नजर आ रहे थे। और यही नहीं, रोहित जब वापस पवेलियन जाने लगे तो विराट ने पीछे से कुछ कहा और जिस पर विराट कोहली ने रोहित की पीठ भी थपथपाई और रोहित शर्मा भी पूरी तरह से नतमस्तक नजर आए और ऐसा लग रहा था कि जैसे रोहित की आंखें भर आई हों। रोहित खुशी के आंसुओं के बीच बेहद खुश थे और खास तौर पर विराट कोहली से मिली तारीफ, विराट के जेस्चर से रोहित शर्मा खासे गदगद नजर आए। अब जो भी हो, लेकिन पूरे मैच में रोहित का शतक खास था तो उससे भी खास था रोहित और विराट का ये अंदाज, दोनों का ये जेस्चर, एक दूसरे से मिलना, बीच मैदान में मिलना और एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करना, जो कि बेहद खास था। अब सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो कीवी टीम के छोटे से स्कोर को रोहित शर्मा ने बौना बना दिया, चौके छक्कों की बरसात के बीच भारत को जीत दिलाई। अब इसी दौरान जब पारी का 10वां ओवर चल रहा था तो कप्तान रोहित शर्मा ने पहले पुल करके चौका मारा, फिर अगली बॉल पर इनसाइड आउट छक्का जड़ दिया। जी हां, लगातार बॉल पर यह हुआ। अब रोहित शर्मा अगली बॉल खेलने के लिए तैयार थे, रोहित ने स्टांस लिया अगली बॉल के लिए। जैसे ही रेडी हुए तो रोहित शर्मा ने कुछ देखा और हिटमैन रुक गए। जी हां, खेल को रोक दिया रोहित शर्मा ने। रोहित ने खेल को इसलिए रोका क्योंकि रोहित ने देखा कि एक बच्चा दौड़ता हुआ मैदान के अंदर आ रहा था और वो सीधे ही रोहित शर्मा की तरफ दौड़कर आने लगा। अब जब वो बच्चा दौड़ते हुए सीधे रोहित शर्मा के पास पहुंचा तो रोहित को गले लगा लिया। जी हाँ, रोहित ने भी उसको गले लगाया, ढांढस बंधाया। अब इतनी देर में सिक्योरिटी पर्सन भी वहाँ पहुंच गए। जी हाँ, 2 सिक्योरिटी पर्सन वहाँ पहुंचे और एक झटके से उन्होंने बच्चे को लपक लिया। अब इस दौरान जोर का झटका भी लगा और ये झटका बच्चे के साथ साथ रोहित शर्मा को भी लगा था क्योंकि रोहित शर्मा उस दौरान उस बच्चे के गले लगे हुए थे।
रोहित संभले और तुरंत ही बच्चे के कंधे पर भी हाथ रखा और उसे भरोसा दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। जी हाँ, तुरंत ही अगले पल रोहित शर्मा ने सिक्योरिटी पर्सन को कहा कि वो बच्चा है, उसे कुछ मत करना। और ये बात रोहित शर्मा ने एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार कही, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रोहित शर्मा सिक्योरिटी पर्सन को कह रहे थे कि छोटा बच्चा है, उसे कुछ मत करना, बच्चे को जाने देना, छोड़ देना। अब रोहित शर्मा इस बात को बार बार इसलिए कह रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी बीच करके कोई मैदान में आता है तो उसे पुलिस हिरासत में लिया जाता है, और रोहित इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। और इसीलिए रोहित ने एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा और ये अश्योर किया कि सिक्योरिटी पर्सन उस बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती ना करें। अब वहां पर अब तक बच्चे के साथ सख्ती दिखा रहे सिक्योरिटी पर्सन का रवैया भी नरम हो गया था, बदल गया था। रोहित शर्मा के कहने के मुताबिक उन्होंने बच्चे को बाउंड्री के पार पहुंचाया और फिर छोड़ दिया। जी हां, बच्चे को डिटेन नहीं किया, हिरासत में नहीं लिया और मैदान से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। अब ये शानदार जेस्चर था, रोहित का दिलदार अंदाज था। रोहित ने सबसे बड़ा दिल दिखाते हुए न सिर्फ बच्चे से मिले, गले लगाया और सिक्योरिटी पर्सन को भी कहा कि उसे कुछ भी नहीं करना। अब इसकी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में तारीफ हो रही है। जी हाँ, दुनिया भर के लोग रोहित शर्मा के इस जेस्चर की तारीफ कर रहे हैं, हिटमैन की तारीफ कर रहे हैं। अब इस मैच में रोहित की बल्लेबाजी तो खास रही, रोहित ने अपना अर्धशतक भी लगाया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, लेकिन रोहित ने जो ये जेस्चर दिखाया ये कमाल का था। ये 10वें ओवर में जो कुछ हुआ वो कमाल था, और इसीलिए हिटमैन लोगों के दिलों में ऐसे ही नहीं रहते। ये सारी बातें, ये सारे काम रोहित शर्मा करते हैं, और इसीलिए धोनी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा ही है। तो आपका इस पूरे इंसिडेंट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में भारत की जीत के हीरो रहे शुभमन गिल, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया क्योंकि गिल ने इस मैच में डबल सेंचुरी मारी थी, 208 रन बनाए थे इसके लिए। और इसीलिए मैच के बाद रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ में ईशान किशन के साथ बातचीत की। अब इस दौरान पहले तो रोहित और ईशान ने शुभमन को 200 क्लब में आने पर वेलकम किया और कहा कि यहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब यहीं पर अचानक रोहित शर्मा ने बातचीत का एंगल ही बदल दिया। रोहित ने ईशान से मजे लेने की कोशिश की और रोहित ने ईशान किशन से पूछ लिया कि यार ईशान, आपने बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई लेकिन उसके बाद आप टीम से बाहर हो गए, 3 मैच नहीं खेले। अब यहीं पर तुरंत हाजिर जवाब ईशान किशन ने अपने कप्तान को ही ट्रोल कर दिया। जी हाँ, ईशान किशन ने कह दिया कि भैया कप्तान तो आप ही हैं, आपने ही बाहर बैठा दिया। और इसके बाद तीनों हंसने लगे। हालत ये थी कि रोहित शर्मा पीछे चले गए, कैमरे से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, वहां जाकर हंसने लगे। हंसी रुक ही नहीं रही थी। आप भी एक बार फिर से देखिए। ईशान यार, आपने 200 बना के आपने 3 मैच नहीं खेला यार। भैया कैप्टन तो आपने बैठा दिया। अब यहाँ पर ये तीनों ही जानते थे कि रोहित शर्मा ईशान किशन के मजे ले रहे हैं, क्योंकि कप्तान तो रोहित ही हैं, रोहित ही तय करते हैं कि कौन खेलेगा, कौन टीम में नहीं खेलेगा, कौन बेंच पर बैठेगा। मगर शुभमन गिल और ईशान किशन रूममेट्स हैं और होटल में भी एक ही रूम में रहते हैं। तो इसके बाद इन तीनों ने वहां पर खूब मस्ती की, मजाक किया और इसके बाद भी बातचीत जारी रही। ईशान किशन ने आगे कहा कि इन सबसे सीख मिलती है। वहीं रोहित शर्मा ने ईशान से पूछ लिया कि नंबर 4 पर बैटिंग करना कैसा लग रहा है, तो ईशान ने भी जवाब दिया कि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। ईशान यार, आपने 200 बना के आपने 3 मैच नहीं खेला यार। भैया कैप्टन तो आपने बैठा दिया। बट ठीक है, सब चीज से सीख मिलती है। आपको एक बात बताइए, 4 नंबर पे अच्छा लगता है बैटिंग करना? बहुत बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगता है मुझे 4 नंबर पे। अब ये इंटरव्यू खासा वायरल हो रहा है, खासा ट्रेंड कर रहा है और इस मस्ती मजाक को लोग खूब ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे साफ साफ ये भी दिख रहा है कि टीम इंडिया में माहौल बेहद शानदार है। खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त बाउंडिंग है और जिस खिलाड़ी की टीम में जगह है वो तो खुश है, लेकिन जिसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है, जो बेंच पर बैठा है, वो भी मोटिवेटेड है, वो भी खुश है और टीम की सफलता में वो बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहा है। और यही माहौल, यही टीम वर्ल्ड कप दिलाने में भी, वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब साबित होगी, क्योंकि टीम का माहौल बेहद शानदार है, जो कि यहाँ पर इस मस्ती मजाक में साफ साफ नजर आ गया। तो आपका इन तीनों की बातचीत पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।